जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है। ब्रजराज उत्सव हुनर हाट का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां कौशल कुबेर का उद्घाटन भी करेंगे। कौशल कुबेर कुंभ का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे साथ में मौजूद। सांसद हेमा मालिनी कार्यक्रम में होंगी शामिल। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम योगी का आज मथुरा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रजराज उत्सव हुनर हाट का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 2 बजे मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कौशल कुबेर कुंभ का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे साथ में मौजूद। सांसद हेमा मालिनी भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा आज। ब्रजराज उत्सव हुनर हाट करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। कौशल कुबेर का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे मौजूद। सांसद हेमा मालिनी भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी के आज कई दौरे, जिसमें से एक मथुरा दौरा भी है। सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर रहेंगे और ब्रजराज उत्सव और हुनर हाट का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। कौशल कुबेर का कुंभ का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे साथ में मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है छठ पूजा को लेकर सरकार का ऐलान। 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित। नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत अवकाश किया गया घोषित। सभी शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद। बैंक संस्थान ट्रेजरी भी रहेंगे बंद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है छठ पूजा को लेकर। सरकार का ये बड़ा ऐलान सामने आया है जहां 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे। कार्यक्रम में सीएम समेत कई मंत्री भी होंगे शामिल। आपदा के दौरान बेहतर काम करने वाले होंगे सम्मानित। रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। स्वयं सहायता समूह के लगेंगे स्टॉल। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे। एएमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों ने बोला हमला। बच्ची को 3 कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। समय रहते एक महिला ने बचाई बच्ची की जान। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल। एएमयू के मेडिकल कॉलोनी की घटना, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एएमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों ने बोला हमला। अलीगढ़ से बड़ी खबर, बच्ची को 3 कुत्तों ने बनाया शिकार। समय रहते एक महिला ने बचाई जान। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल। एएमयू के मेडिकल कॉलोनी की घटना। एएमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों ने बोला हमला। बच्ची को 3 कुत्तों ने बनाया निशाना। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, समय रहते एक महिला ने बचाई बच्ची की जान। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल। एएमयू के मेडिकल कॉलोनी की घटना। एएमयू कैंपस में बच्ची पर कुत्तों ने बोला हमला। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बच्ची को 3 कुत्तों ने बनाया अपना निशाना। समय रहते एक महिला ने बचाई बच्ची की जान। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल। एएमयू के मेडिकल कॉलोनी की बताई जा रही घटना। यूपीएसटीएफ को मिली
बड़ी सफलता, लखनऊ से बड़ी खबर, मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंबई का रहने वाला है तस्कर तौहीद बशीर। लखनऊ और कानपुर में भी सप्लाई की ड्रग्स। सरोजनी नगर इलाके से तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंबई का रहने वाला है तस्कर तौहीद बशीर। लखनऊ और कानपुर में भी सप्लाई की ड्रग्स। सरोजनी नगर इलाके में तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर तौहीद बशीर। लखनऊ और कानपुर में भी सप्लाई की ड्रग्स। सरोजनी नगर इलाके से तस्कर हुआ गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर चार लोगों से ठगी, गोवा के रहने वाले थे चारों लोग। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, पीड़ित लोगों में एक महिला भी शामिल। नशीला पदार्थ खिलाकर गायब किया सामान। होटल के कमरे में बेसुध मिले पीड़ित। होटल स्टाफ की सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी। ताजगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। नौकरी के नाम पर चार लोगों से ठगी, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, गोवा के रहने वाले थे चार लोग।